मेले में दंगल है ना, तेरी कसम गामा को पछाड़ दूंगा। गामा को? अरे चल साधु ने, तू पछाड़ेगा गामा को? चल सीधी तरफ। अरे बुढ़िया का आखिरी बखत है। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? आशा की नानी। अरे माँ। क्या है रे? देख माँ, मैं शादी बाती नहीं करूंगा उस छोकरी से। अरे तेरे तो अच्छे भी करेंगे, चल सीधी तरफ। नहीं माँ, उस्ताद ने कहा है जो पहलवानी करना हो तो घर घर से झगड़े में ना पड़ना। हाँ क्या कहा है तेरे उस्ताद ने? शादी नहीं करेगा। सुन तो माँ मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, सीधी तरफ चले है कि नहीं। कोई भी तो नहीं आया नानी माँ, कोई भी नहीं आया। लेटी रहो नानी माँ। कौन? छोटे ठाकुर। अरे मैया कैसे छोटे ठाकुर, अरे आदमी किसी के ना होते। मेरी ही गोद में तो पलकर बड़े हुए हैं। मेरी चिट्ठी मिली होगी तो वो जरूर आएंगे। अरे तो छोटे ठाकुर में इतना दम कहाँ? मैं तो अपनी आंखों से देखकर आई हूँ, अब तो चल फिर भी नहीं सकते, फिर भला कैसे आएंगे? तुम तो मानो ना ही हो। कहती हूँ देख तो रंजी की माँ कोई आया ना। कोई आवे ना जावे, तुम्हें तो बैम हो गया है। जा कोई गाड़ी बाड़ी की आवाज सुनी और चिल्लाने लगी। नानी माँ आ गए। हाँ पहचाना नहीं मुझे? पुरन ना बड़ा हो गया मेरे लाल। अरे तू कैसे आ गया? चाचा के पैरों में बहुत तकलीफ थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अब तुम चलो मेरे साथ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं चाचा ने कहा है कि अब तुम वहां आकर रहो तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। और वो चाचा ने कहा है कि वो बच्ची उसे भी। बच्ची? मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है ना? हाँ। पर नहीं बेटा, मैं तो अब बहुत दूर जा रही हूँ। नहीं नहीं तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अब तो मेरा इलाज परमात्मा ही करेंगे बेटा। लेकिन पहले मेरी दो बातें सुन लो। अब ऐसा समय आन पड़ा है, कुछ नहीं सोचता। माँ की बच्ची को किस पर छोड़ दे, इसका कोई सहारा नहीं। अब तो रंजी भी दुकान करने को कह रहा है, भगवान ने चाहा तो दो दिन में चल निकलेगी। चुप रह माँ। हाँ अगर रंजी किसी काबिल हो जाए तो उसे कर देना। छोड़ो इन बातों, पहले तुम अच्छी तो हो जाओ। अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। ये छोटी सरकार किसको साथ लिया? अरे कोई है? अरे यार महेश इसको जरा अंदर ले जाना, मैं अभी आता हूं। अच्छा अच्छा। नमस्ते माता जी। जीते रहो। नमस्ते।
बैठिए बैठिए। नमस्ते। कौन है ये? जी वो पूरन। मुसीबत है मुसीबत। क्या सब मर गए? हजार बार कहा कि मेरा नाश्ता बागीचे में भेज दिया करो, मगर चाचा ये आशा है। आशा? आशा बूढ़ी माँ का देहांत हो गया तो मैं इसे यहाँ ले आया, बेचारी अकेली थी। बैठो बैठो। नहीं चमकी जी, माता जी इसे उधर ले जाए। चलो से गए थे पूरा। माताजी माताजी जवाब क्या नहीं देते? मेरे हुक्म से गया था, क्यों क्या कहती हो? तो तुमने बुलाया है इसे? हाँ बुलाया तो है। फिर यह कि मैं अपने घर में इसे घड़ी न टिकने दूंगी। तो साफ क्यों नहीं कहती कि निकल जाऊं घर से? उई? तुमसे किसने कहा कि निकल जाओ? तो क्या निकालने वालों के सींग होते हैं? तुम तो जो बात करोगे उल्टी करोगे। चाचा आप तो बस रहो जी, तुम बीच में मत बोलो। कल के लौंडे और लगे बड़बड़ बड़बड़ करने। मगर इसे बीच की गांड को यहाँ बुलाने की जरूरत ही क्या थी? बस जी बस, ज्यादा बकबक की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही थी। अरे अरु देखते ये कहाँ चले? बुढ़ापे में मेरा मुंह काला कराएंगे, लोग कहेंगे लंगड़े अपाहिज को घर से निकाल दिया। माता जी आप बेकार परेशान हो रही हैं, गुस्से में वो ऐसी बातें किया करते हैं। मैं अभी उन्हें जाकर देखता हूं। पर इन जालिमों ने एक न सुनी, यही कहे गए कि वो एक नौकरानी है, तुम ठाकुर की लड़की हो, खानदान का ख्याल करो। खानदान, उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया और जबरदस्ती उसका ब्याह एक गवार से कर दिया। बेचारी घुल घुल कर मर गई, तो मुझे कौन रोकता है? हाँ चाचा। ये लोग घबराए नहीं, मैं बहुत जल्द उसका ब्याह कर दूंगा, है ना? हाँ चाचा। और अगर इन लोगों ने जरा भी छी चपड़ की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं चाचा आप घबराइए नहीं, माता जी तो यूं ही कह दिया करती हैं। अच्छा तो बिस्तर बोरिया बंद रहा है, ये भागने के डरावे कब तक देते रहोगे कि बस आए दिन भाग जाऊंगा चला जाऊंगा? मेरी जिंदगी दुभर करोगी तो एक दिन चला ही जाऊंगा। अरे तुम क्या जाओगे? जो चला जाऊं तो घी के चराग जलाओगी के पाप कटा। मैं कहती हूँ तुम अब तक भूले नहीं, बुद्धि घोड़ी लाल लगाम, ये बुढ़ापे में ठंडी सांसें भरते शर्म तो नहीं आती? अरे तुम बनिए की बेटी, तुम क्या जानो इन बातों को, तुम्हें तो बस हंडिया चूल्हे से मतलब। बस तुम ही एक लैला मजनू के खानदान के बाकी रह गए हो। अरे मुझे क्या, तुम शौक से रखो उसे और हटाओ जी ये सामान। तो फिर अगर ऐसा ही है तो आप उसका जल्दी से ब्याह कर दीजिएगा। तो भैया ये बुरश तो तुम रख दो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, समझे? जाकर बही खाता लिखो। चाचा नाश्ता कर लीजिए। अच्छा बेटा। देखो सब काम अच्छी तरह करना, माता जी का मिजाज बड़ा कड़वा है। और देखो छोटी सरकार के कमरे में तो कभी मत जाना। क्यों? बड़े गुस्से वाले हैं, उनका काम तो बस मैं ही करती हूँ। यहाँ रख दो। क्या बना रहे हो सर? क्या कुछ नहीं, यही जरा दिखा दो। क्या करेगी देखकर? तेरी तस्वीर है सच? और क्या तो दिखाइए ना। देखेगी तो फिर आके बंद कर। अच्छा
आंखें बंद कर। अच्छा अच्छा खोलना मत। भाजा से हाँ बेचारी कितना काम करती है। क्यों है ना छोटे लड़का। ये क्या हो रहा है? दरी झाड़ रही है। दरी झाड़ रही है? किसने कहा इतनी भारी दरी झाड़ने को? किसी ने नहीं। तो निकल यहाँ से। अरे तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटे सरकार के कमरे में दरी झाड़ रही थी तो फिर बस लगे डांट से, कहने लगे छोड़ो भागो यहाँ से। अच्छा हुआ, तुझसे तो कहा था उनकी चीजों को हाथ मत लगाना। उनका काम तो बस मैं ही करती हूँ। तुम क्यों इतना जलती हो लता दीदी? अरे जले मेरी जूती। मैं तो ये कहती हूँ, और तो और मेनकी को भी जुकाम हुआ। मेनकी होगी तुम जो हर वक्त चर 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 लगाए रहती हो। हाँ नहीं तो जबान तो देखो कैसी कतरनी से चलती है। क्या नहाने जा रही हो लता दीदी? हाँ जरा ठहरो, मैं भी चलती हूँ। माँ हम भी चले गए नदी। तुम लोग यही खेलो बेटी। अरे चलना। जल्दी आशा देर हो रही है। बस जरा देर। अरे खाने में देर हो गई तो मेरी तो मौत ही आ जाएगी। मैं जाती हूँ तो आ गई हूँ। नहीं अच्छी दीदी बस जरा देर। ना बाबा ना। हारू लता दीदी जरा ठहरो ना। अरे तो मरे क्यों जाए है? क्या रास्ते में शेर भरिए बैठे हैं जो तुझे खा जाएंगे? तू आ जाइयो। क्या हुआ? अच्छा तो नहीं। आज तो ही झाड़ रही थी, तो आपने आकर डांट दिया। अरे हाँ, वो
दरी तो इतनी भारी थी कि मैंने सोचा तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, इसलिए। लाओ हाथ। नरसिंह की क्या बात है? कौन निकालता है? यही सड़कर मरोगी? हाय ना, अब कैसे निकलेंगे? कह तो दिया, अब यही सड़कर मरेंगे। सुनिए। क्या? खफा मत होइए। खफा कौन होता है? तो बताओ ना कैसे निकले? मुझे क्या मालूम? अच्छा, ये बात है। जानती हो क्या? मैं क्या धरती हूँ? मजाक समझती हो? यहाँ नदी के किनारे नरकुलों में एक शेर रहता है, वो रोज रात को शिकार के लिए निकलता है, बस अब आता ही होगा। वाह! हाँ, क्या खौफनाक शेर है! बाप रे बाप, इतना बड़ा सर, ये गल्ला, ये बड़े बड़े नाखून। अब हंसो, अब हंसो, जरा हंसो भाई, हम तो चले। अच्छा अच्छा, लो नहीं जाते, बस मेरे साथ तो डर नहीं लगता? नहीं, जब मैं नौकर हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ रखूंगा। क्यों? वाह, आपकी बीवी तो मुझे मारकर निकाल देंगी। तो भी अपन शादी ही नहीं करेंगे। शादी तो करनी ही चाहिए। ये भी सच कहती हूँ, शादी तो जरूर करना चाहिए। बस झगड़ा ही खत्म। क्या? मैं तुमसे शादी करनी? क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? आप मालिक हैं और हम नौकर। वाह, मैं तो तुम्हें नौकर नहीं समझता। सुनो, अरे बाप रे, छोटे सरकार, यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे करते क्या, देखते नहीं यहाँ गिर पड़े? और ये छोकरी, ये भी गिर पड़ी? अबे गधे, और नहीं तो क्या, तू समझ दान क्या दिखा रहा है? क्या जाओ चिड़ी विड़ी ला। बहुत अच्छा, पर मैंने कहा एक बार गड्ढे में गिरकर फिर निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अरे चुप्पे, ले पहले इसे निकाल। जादू कर गए किसी के नैना, ये मालूम मुझे।
नाचते गाते थी ही, अब तुमने भी नाचना गाना शुरू कर दिया। आशा तेरा चाचा भैया दूध तो दे। अच्छा दीदी लाओ। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? थी नहीं तो? देख बेटा, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। बहुत अच्छा। सुन बेटा। हाँ बैठ जा, बैठ बैठ मेरे पास आ। वही वही सूरत, वही आंखें, वही बिल्कुल वही 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 कैसे क्यों देखते हैं? जैसे बेचारे, तुझे देखकर उन्हें कोई याद आ जाता है। कौन लता दीदी? तेरी माँ। माता जी क्यों? अरे तुझे पता नहीं पगली? नहीं नहीं तो? क्या प्रेम था दोनों? प्रेम? हाँ 22-24 साल पहले की बात है। बड़े ठाकुर जिंदा थे, सुना है चाचा बड़े शानदार जवान थे। उस वक्त तेरी माँ कोई तेरे बराबर होगी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। बड़े ठाकुर को जो पता चला तो उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया। लेकिन चाचा भी अपनी जिद के पक्के थे। चुपके से एक दिन रात को तेरी माँ को अपने साथ लेकर एक नया घर बसाने के इरादे से चल पड़े। घोड़ा गाड़ी की आवाज से बड़े ठाकुर की आंख खुल गई और उन्होंने चाचा का पीछा किया। नदी के पुल पर पहुंचकर चाचा का घोड़ा बिगड़ गया और गाड़ी उलट गई। तेरी माँ तो बच गई। तो अब ये जानबूझकर भी? चाचा ये देखा आपने, रंगों का मेल, जैसे दिन और रात गले मिल रहे हो। पूरन जी मेरी बात का जवाब दो। तो क्या जवाब दो? अपने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। न जाने आप क्या कह रहे हैं। पूरन मेरी तरफ देखो। आप ही की तरफ तो देखा है, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। जरा मेरी इन आंखों में आंखें डालो, क्या इनमें मेरी कुचले गई जिंदगी का वक्त तुम्हें नहीं दिखाई देता? चाचा आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। मेरी हंसी उड़ाता है चाचा आप तो बस। अरे पगले मजाक बनकर
कहीं बड़े भाई को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। वो कब होते हैं बड़े भाई? ये बड़े भाई बड़े संग दिल होते हैं। दुनिया बड़ी जालिम है पूरन, तुम भी एक बड़े आदमी के लड़के हो। जानता हूं। और वो एक नौकरानी? मैं उसे नौकरानी नहीं समझता। तो तुम पागल हो। हाँ चलो, खुराक कैसे चलता है? ऐसे शाबाश। अरे 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 ठहरो, जंगली कहीं के बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी दीवाने हो गए। हेलो। हाँ दीदी, ये पूरन हर वक्त मेरे बच्चे को मारता रहता है। ले आशा, इसे ले जा वरना मार ही डालेगा। छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ती। छोड़ दीजिए। छोड़ बेईमान। नहीं छोड़ता। पैर टूट जाएगा, देखिए माता जी। नहीं छोड़ता। ठहर जा, कभी तेरे भी बच्चे होंगे। ऐसी गप बनाऊंगी कि याद ही करेगा। अजी मेरे बच्चे क्या मुफ्त के होंगे? तो क्या मेरे मुफ्त के हैं? ना होंगे तो मोल लाई होगी कहीं से। हट। मेरे बच्चों को तुम नहीं मार सकोगी। ओहो, क्यों नहीं मार सकूंगी? बस कह दिया कि नहीं मार सकोगी, कोई बचा लेगा। माता जी सच में अब तो इसकी शादी करो, बहुत दिन आजाद घूम लिया। शादी तो फिर करो ना, मना कौन करता है। बस अब ढूंढ रही हूँ। ढूंढने की क्या जरूरत है? सच पूछो तो ढूंढ भी ली, एक है मेरी नजर में। सच? हाँ मेरी नजर में भी है एक। बड़ी सुंदर है। अच्छा? हाँ है तो है? कुछ नहीं भाई, हमें तुम्हारी पसंद पर भरोसा नहीं। ना जाने कैसी काली कलूटी डेढ़ा की पकड़ लाओ ना बाबा। ओहो, तो न जाने कौन इंदर सभा की परी आएगी तुम्हारे लिए। चाहता तो यही। कुछ बताओ आखिर कैसी शक्ल पसंद है? भाई हमें तो ऐसी शक्ल पसंद है। कैसी? ऐसी बिल्कुल ऐसी भैया की शक्ल की। चल हट दीवाने, इसकी भी कुछ शक्ल है, वो गोल मटोल गेंद का। अरे अरे लाइए, देखा रुला दिया ना उसे। नमस्ते बहू जी। जीती रहो जीती रहो। ए भैया मैं तेरे मुंह नहीं लगूंगा। कहो अच्छी तो रही? कहाँ अच्छी है, दुबली तो हो रही है बेचारी। देखो बहू जी नहीं मानी है ये। मान जा रहे पूरन? मैया कहीं पूरन की बातचीत लगाओ ना, ढूंढ रही हूँ एक चांद सी दुल्हन। अरे क्या ढूंढ रही हो तुम, क्या चांद से कम हो? मेरी तो लड़के ने तो ऐसा बौखला दिया कि भूल ही गई। वो तुमने तस्वीर लाने को कहा था। किसकी तस्वीर? ठाकुर धर्म सिंह की लड़की की। देखो अच्छी है। क्या उम्र होगी? उम्र बस यही यही समझ लो कि बस यही उम्र है ये बस। अच्छा भी मैं चोर 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 टूटे सिलबट्टा टूटे टूटे सिलबट्टा टूटे सिलबट्टा टूटे देखने वाले की आंखें फूटे। देखना नहीं बोलते आप खेलते, मुझे जाने दीजिए। तुम इसे खेल समझती हो? आप क्या कर रही है छोटे सरकार?
मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता ये क्या हो गया है। तुम जानती हो? मगर ये कैसे हो सकता है? झूठ है। मेरे ऊपर भरोसा नहीं। आप पर तो है, मगर अपने नसीब पर नहीं। छोटे सरकार, आप मेरे इम्तिहान ना लीजिए। डरती हो? जी नहीं, नहीं। ये कहां से टपक पड़ी? सब मजा कर गिरा कर दिया। चोर 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 सिल्की चोर चलो चलो चोर भमक चलो सिल टूटे। अरे बैग, अरे बैग सिल टूटे, सिल पटा टूटे। चमकी, अरे सुनो तो, चमकी। झूठे, झूठे। अरे मैं झूठे। अरे कहाँ गए हो? तुरंत जाते किया जाए? कहीं माता जी को पता चल गया तो समझ लीजिए मुसीबत आ जाएगी। नमस्ते सरकार। कौन? रंजी की माँ। आओ आओ। नमस्ते बहू जी, बड़े दिनों बाद आए। कहो अच्छी तो रहे। हाँ बहू रानी, जीती हूँ। बस रंजी का ब्याह कर लू। आए ठकरानी साहब कहाँ? कौन? रंजी की माँ। नमस्ते। नमस्ते, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं ठकरानी साहब, बहुत दिनों से आई नहीं थी। सोचा कि हो आओ, गांव में बैसाखी का मेला लगा है, आशा को भी ले जाऊं आप कहे तो। हाँ हाँ ले जाओ, और छोकरियों को भी ले जाओ, मेला देखाएंगे। बहुत अच्छा। और वो आपके जंगल में भगवान ने चाहा मेरा रंजीत जीत जाए, मगर क्या बताऊं, भगवान ने एक लड़का दिया और वो भी दीवानी। तो साफ कहो ना, तुम ब्याह करना नहीं चाहती, हम और कहीं इंतजाम कर ले। हम नहीं नहीं ठकरानी साहब, तो ऐसी जबरदस्ती की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, रंजी की माँ सब ठीक है। हाँ सरकार, अगले महीने लगन हो गया। हाँ हाँ, तुम मैं लड़की को ले जाऊँ, मेला देख कर चली आएगी। हाँ हाँ, शौक से ले जाओ। नमस्ते। 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 अच्छा खासा है लड़का। कौन? मैं? मुझे कह रही हो? नहीं रे। क्या तुमने बुलाया मुझे? हाँ, वो मैं ये कहती थी। अरे भी क्या, चाय वाय नहीं मिलेगी? अरे हाँ बिहारी, जरा चाय ले आना। ये सब कहाँ चली गई आज? आज सब के सब रंजी की माँ के साथ मेला देखने गई हैं। हाँ वो रंजी की माँ के साथ? बात तो करने दे लड़के, वो रंजी के लिए कहने आई थी। तो मेरी राय में अगले महीने ब्याह हो जाना चाहिए। किसका ब्याह? आशा का। हाँ तो छोटे ठाकुर। आशा का ब्याह रंजी के साथ, उस गवार से? आशा भी तो गांव की ही है, अच्छा जोड़ रहेगा। हाँ, ये क्या गजब कर रही हो? खेलना नहीं आता तो बैठी जुए कहा को मारा करती हो? मेम को गुलाम पर झोंके देती है। छोड़ो। मगर माता जी। क्या है, चाय नहीं पियोगे? नहीं। ये बात क्या है छोटे ठाकुर? एलो, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया? देखा जाएगा। है? ये आज इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, जरा मौसम खराब है। नहीं जी, आजकल ये कुछ अजीब घबराए जरा बनाए रखे। बस मेरे नाम अगली कुश्ती और जीते, फिर इसी महीने में अगले चांद का ब्याह कर दूंगी।
क्या गलत किया और बेचारा क्या हक पहलवान की जोर होगी। अरे इसे तो यूं मार देगा या मेरे घर आ जाएगी। लड़न जी भैया नहीं नहीं रहने दो, ले लो पहन लो, हम सब कुछ समझते हैं, जीत तुम्हारी हुई। हाँ और क्या, निकम माते ही का लाज नहीं आती। तुम्हें मेरी कसम, कुश्ती तो तुम्ही ने जीती है। तू जरा यहाँ ठहर, मैं माँ को मना कर लाता हूँ। छोटी सरकार आप यहाँ? तो डाल दी वरमाला राजकुमार के गले में। जी मुबारक हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुझे? तुम्हारा जल्दी व्यापान मारे। तू तो नाराज होती है पर तू तो समझती नहीं। चल माटी मिले सोचो तो, वो मुझे भैया कहती है, वो मुझसे क्या ब्याह करेगी? बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया, समझे? गुस्से में तुम हमेशा अंधे हो जाया करते हो। जब तुम यहां से घोड़े पर दंडनाते रह गए थे तभी मेरा माथा ठनका था कि जरूर कोई बेवकूफी करोगे। तो चाचा फिर अब मैं क्या करूं? मैं बताऊं कि क्या करो? तुम उसका ख्याल, और वो बड़ी कोमल, तुम उसका ख्याल छोड़ दो। ये मेरे बस की बात नहीं चाचा, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे ना जाने क्या हो गया। कौन है? आ जाओ। बेटा आज इसमें थोड़ा सा ओवल्टीन डाल दे। चाचा मैं कोई थानेदार हूं, मैं क्या करूं? तुम्हारे मुंह में सवाल नहीं। आशा जी फरमाइए छोटे सरकार। मुझसे बड़ी भूल हुई। तो क्या हुआ छोटे सरकार? आप मालिक हैं और हम नौकर, आप तो दो ठोकरे में मार ले तो भी कोई हरकत नहीं। तुम मुझसे खफा हो? नहीं तो भला ये कैसे हो सकता है?
हम ऐसे नमक हराम नहीं जो अपने मालिक का जरा सा गुस्सा भी ना बर्दाश्त कर सके। तो मैं अब जाऊं? अच्छा जा बेटी जा। आशा छोटे सरकार एक नौकरानी के आगे झुककर अपनी शान क्यों गवाते हैं? संभालूंगा मैं जो रूठेगी दुनिया मना लूंगा मैं।
जो गिरने लगोगी संभालूंगा मैं, मानेंगे ना हम जमाने से हार, जमाने से हार, मानेंगे ना हम जमाने से हार, जमाने से हार। भगवान तुम गवाह रहना, मैंने तुम्हारे सामने इसका हाथ पकड़ा है। देख रहा हूं कि 12-12-24 बरस बाद फूली बिसरी कहानी के वरक फिर लौट रहे हैं। तो फिर डरता हूं कि बस आप बैठे डरा ही करते हैं। सच कहते हो, सच कहते हो, बूढ़ा हो गया हूं ना, पर अपनी जिंदगी तो डरते ही गुजर गई है। चाचा हुँ? मेरे साथ चलोगे? कहाँ? मेरे घर, वहां आपका बेटा होगा और बहू होगी। पूरन, मैं हार गया पर तुम जीत जाओगे, वो तुम्हें हाथ भी न लगा सकेंगे, तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। चाचा माँ ने चाचा का जीवन बर्बाद किया और अब बेटी भतीजे की जान के पीछे पड़ी। अरे तो तुझे क्या, जरा अपने गरेबान में मुंह डाल के तो देख। नारी तू किसी से कुछ ना कहना, कोई यकीन नहीं करेगा। वाह तो तू जान। अच्छा देखती हूँ कैसे नहीं यकीन करेगा। मुझे क्या मालूम, माता जी के कमरे से आ रही थी
कहने लगे, चमकी जरा आशा को तो भेज देना, तूने पूछा नहीं क्यों? लो मैं क्यों पूछती? वाह मगर मैं कहता हूँ मैं तेरा मुंह नहीं लग रही, मुझे तो इस चुड़ैल से पूछना है क्यों रे नमक राम, ये हमने तेरे साथ पोस्ट को इसलिए पाला था कि मौका पाकर हम ही को डर जाए। मेरी बात तो सुनिए, आशा निर्दोष है, खामोश रहो। माता जी नीच कहिए, तेरी ये हिम्मत छोड़िए माता जी छोड़िए, पागल हो गए पूरा। बेबूजी है, मेरी बात तो सुन लीजिए भैया, भगवान के लिए चुप रहो पूरन। चाचा देखिए अपने लाडले के लक्षण, माँ पर हाथ उठाने लगा, भगवान तुमसे समझे ये तुम ही नहीं से पागल बनाया है। अरे ये सब तुम्हारा किया जा रहा है, सुन रहा हूँ कि नहीं? अरे सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, इतना चिल्लाती क्यों? क्या मैं बहरा हूँ? कानों के कीड़े खा गई। माता जी इन बातों से क्या फायदा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए तो नौकर चाकर देख रहे हैं, सोच समझ कर काम करना चाहिए। चलिए अच्छा चलो। पूरन अब तुम सो जाओ। और जाओ जी तुम भी अपने कमरे में जाओ। जाता हूँ जाता हूँ। Thank you.
माता जी। आशा अपनी कोठी में नहीं है और छोटे से तार है। ये तो क्या कह रही है? मैंने तार लगा कर उनकी अपने सराहने रख ली थी। अरुण, अरुण क्या है? क्या है माता जी? वो गया, वो जादूगर ने उसको मार दिया। गई मगर कैसे? गैरेज में ताले तो मैंने अपने हाथ से लगाए हैं। घोड़ा गाड़ी पर गया है सरकार। खैरिये माता जी, मैं जाता हूँ। भगवान के लिए जल्दी करो। जाएगा कहाँ? मैं मोटर लेके जाता हूँ, दो मिनट में पकड़ लूंगा। माता जी बुला रही है तुझे। जन्माष्टमी बिल्कुल सर पर आ गई, कुछ तैयारी करनी है कि नहीं? नहीं लता दीदी, मैं आपकी जन्माष्टमी पर नहीं नाचूंगी। मेरा जी आपकी नहीं है पागली। अरे यही तो मौका है छोटे सरकार को मनाने का। क्या वो बन जाएंगे? क्यों नहीं,
नहीं छोड़ेगी, मैंने उसका खून किया है ना, वो मुझसे बदला ले रही है। तुम पढ़े लिखे हो, कभी इतने नहीं हो। ये वाम नहीं, वो गरीब के लिए मेरे सामने से दूर होती है और फिर आ जाती है। पूरन, ब्याह कर डालो। ब्याह? ब्याह की चहल पहल में सब कुछ भूल जाओगे। नहीं भाभी, मैं चाहता हूं कि भूल जाऊं, पर नहीं भूल सकता। सोते जाते तो आंखों के सामने रहती है, और अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। देखो, ब्याह समझ के नहीं, इलाज के लिए। इलाज हो जाएगा और क्या। तो ब्याह ही कटा लो, ब्याह ही कर दो। छोटे सरकार, बैठो। बोला पिताई। हाँ नहीं तो। अरे बहू जी, इसे भगाओ ना यहाँ से। वाह, मैं तो नहीं जाती। अच्छा तो बैठ। ले सुन, तेरे ब्याह की बात करके आई हूँ। हाँ, अब कैसे भागी? चैन करेगी मेरी बिटिया। बहू जी, मैं सब बात ठीक करके आई हूँ। अरे तू किसके घर में खुद बैठी है? किसी के भीतर नहीं, बैठी रहे। सुनो, क्या तेरा आदमी बहुत गलत है? बताओ जी। क्या बताऊं? कैसा सीधा लड़का है, मुंह में तो जानो जबान ही नहीं। क्या वो तुझे बहुत ही चाहता है? सभी के पति चाहते हैं, आपके पति क्या आपको न चाहेंगे? झूठ तो नहीं कहती हूँ, देख लेना, बीवी के पैर धो धो कर पिएगा। लेकिन भोला की ताई ऐसी जल्दी काहे की है? अरे सरकार, वो डाक वो लड़का, वो क्या कहवे हैं, वो अरे हाँ, बिलाई जा रहा है। अच्छा, और क्या सरकार? तो मैं जाकर कह देती हूँ, शुभ घड़ी देख कर आ जाए लड़की देखने। अच्छी बात है। अरे हाँ, तूने अपने घर की चिट्ठी लिखी थी ना, तेरा आदमी आया नहीं तुझे लेने? देवी जी, वो नहीं तो ना वो आए ना अब तक जवाब आया मेरी चिट्ठी का। राशि क्यों है? कोई काम वाम हो गया होगा, वो जरूर आया।
पिया मोरा तुम बिन गया ना लगे रे पिया मुझे इस पल चैन आए चंदा रे जा रे पिया के संदेशा मोरा कहियो जाए चंदा रे जा रे बेटी शांता आ जाओ जीती रहो खुश रहो खुश रहो बैठ जाओ पान लीजिए शुक्रिया लीजिए फिर आप ही मान लो पूरन जी वो लो ना मैंने कहा कि आप भूल गए वो तुझे भूल गए लेकिन शायद
समझते हो तुम मर गई। इसमें उनका क्या दोष? हाँ हाँ शायद शायद लाने को कहता हूं। चलो तो तुम बच गई। हाँ। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया वो तुम्हारी सूरत से भागता है। देखो तुम अपने गांव चली जाओ, मैं तुम्हें बराबर खर्च भेजूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेवफाई की जिसे जाए
नहीं, ऐसा कीजिए, अगर उसे मालूम हो गया तो। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद मालूम भी हो जाए तो क्या होगा? आप पूरन को नहीं समझती, वो बड़ा जिद। अगर वो जिए तो हमें भी जिद करना आती है। मगर बस रहने दो, हम फैसला कर चुके। जैसे आप लोगों की मर्जी। सारी आतिशबाजी जलाए देते हो, बारात के अंधेरे में जाएगी, पंडाल में आग लग जाएगी। चलो भागो यहाँ से।
ये क्या कह रही है रोशन? आपकी शादी हो चुकी है, आप मुझे भूल जाइए। मैंने चाहा पर ना भूल सका। लोगों ने कहा शादी कर लो। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मरने से पहले तुम्हें एक बार खींच बुलाऊंगा और फिर तुम इनकार नहीं कर सकोगे। झूठ कहता हूँ, भगवान की दया से बहू ब्याह कर लाई हूँ। मेरा मुंह ना लगना। मैं पूछता हूँ कि ये सब अपने हाथों से किया है तो उसका रोना क्या? तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए कि बेटा हार गया तुम जीत गई। बड़ी सूरमा हो जी। देख रहे हो, ये मेरी जान को आ गए हैं, दूर हो यहाँ से। अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। याद है एक रोज तुम मुझ पर हंस रही थी, आज मैं तुम पर हंसूंगा। चाचा कमाल करती हैं आप भी। वो पूरन आ गया। ठहरिए, देखिए कोई ऐसी वैसी बात ना कहिए। नहीं नहीं, मगर ये भी कोई तरीका है। अच्छा तो अब मैं चलूं। हैं? भाई तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, कोई बात नहीं, मगर एक चाय की प्याली तो पी के जाओ। सब भीगे हुए, जाओ इन्हें चाय की प्याली बना। तशीद ले आए आप जी? मैंने कहा तुम आ गए। कुछ मालूम तो ऐसा ही होता है। पूरा आप चाहे तो आहिस्ता भी बात कर सकते हैं, मैं डरा तो नहीं हूं। पराई लड़की को अपने घर में लाकर उसके साथ इस किस्म का बर्ताव करना कहां की इंसानियत है? मैं क्या बोल रहा हूं? ओ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं समझा था आपने ये सवाल खुद अपने दिल से किया है। हर बात की एक हद हुआ करती है। जी हाँ, हर बात की एक हद हुआ करती है। जाइए आराम कीजिए, खामखा मुंह से कोई बात निकल गई तो आपको भी दुख होगा और मुझे भी। लेकिन कुछ मालूम भी तो हो गया। तो गोया आपको कुछ मालूम ही नहीं। सच बताइए, क्या आपको मालूम नहीं था कि वो जिंदा है? फिर आपने शादी क्यों कराई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जिसका आपने बदला लिया? बोलिए बताइए। मैंने जो कुछ किया खानदान की भलाई के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए। मेरी बेहतरी? आप और मेरी बेहतरी? पूरन आओ बहू, आ जाओ। कपड़े बदल डालिए। ना सही, लेकिन आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं? इसलिए समझकर नहीं तो दासी समझकर ही सेवा कर लेने दीजिए। आखिर मेरा भी तो आप पे कोई अधिकार है। मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या बिगाड़ा है? अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं। बहू, अरे
हूँ कहीं का। जी चाहता है इसे, इस पूरन को बस। मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाले तुम कौन होते हो? आप क्यों मेरे लिए बुरे बनते हैं? जाओ जी यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो? लेट जाओ बहू, जरा ठंडे दिल से काम लो। तुम चाहोगी तो वो सब कुछ भूल जाएगा। नहीं नहीं भाभी, मैं तो सब कुछ करके हार गई। अच्छा बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। तेरा सहारा छूट गया, जब तेरा सहारा छूट गया। तू ही क्या, तू ही क्या रूठ गए, तुम तो तकदीर करो ना। चिड़िया भी क्या आजाद परिंदा है। भगवान जाने अब क्या होगा। ए बहू जी, ये नारंगिया पुरन को दिया, उसे बहुत भाती है। माता जी वो भाभी आप ले आइए ना। नहीं बेटी, वो काम कर रही है। हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी खुशी से आपके कमरे में आती हूं? आप मुझ पर गुस्सा क्यों होते हैं? मैं किसी पर गुस्सा नहीं होता शांता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।
लेकिन मैं भी तो आपकी कुछ है। चट्टान पर बीज डाल कर खींचने की कोशिश न करो, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख और पछतावे के। तो आप मुझे मेरे मैके क्यों नहीं भिजवा देते? मैंने कब रोका है? मगर जाऊं कहां? है कोई मेरा मरा जीता? भगवान इन माँ बाप से समझे जिन्होंने इस आग में झोंक दिया। तो निकल जाओ इस आग से। लेकिन विवाह तो आपसे हो गया है। तो समझ लो कि मैं मर चुका और तुम विधवा हो। अच्छी मुसीबत है, दुनिया कहती है तेरा ठिकाना पति के चरणों में है, आप पति कहते हैं तू विधवा है। सुना आपने, पति महाराज कहते हैं मैं विधवा हूं, मैं विधवा हूं। हे बजरंग बली, हे बलभीम, मेरी सहायता करो, मेरी शुद्धि न टूटने पाए। हे हनुमान, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझे बचाओ, बचाओ हे देवता। अगर अगर माँ ने मेरा ब्याह कर दिया तो बाप रे, बजरंग बली मुझे बचाओ, बचाओ। अरे अब तो तुझे कोई न बचा सके, अब तो मेरी बिटिया राजी हो गई। राजी हो गई? हे भगवान, आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। और मेरी न सुनी। सारी उम्र की तपस्या पर पानी फिर गया। भगवान क्यों, आखिर भगवान क्यों? भाभी, अब की मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगा। वो तुम तो समझते हो वो कैसा बेहुदा आदमी। अच्छा अच्छा, तुम खफा होते हो तो जाने। नहीं, मैं खफा तो नहीं होता। क्यों, बात क्या है? जैसे तुम जानते हैं। साफ कहो ना भाभी। वो महेश की हरकतें मुझे पसंद नहीं। उसको ना देखिए। तुम तो वो बहू शांता है ना? हाँ हाँ है। तो वो पूरा मजाक ना करो, तुम्हें उसे मना करना चाहिए। किसे? शांता को? हाँ। जानता भाभी, अगर मैं उस बेचारी को कुछ दे नहीं सकता तो फिर इसे क्यों रोकूं? तुम अपनी स्त्री के लिए खुद अपने मुंह से ये कह रहे हो? वो मेरी मगर पूरे तुम पागल हो गए। तुम ठीक ही कहती हो। ये तो बताओ। मुझसे ना पूछो भाभी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता हूं, क्यों करता। मगर भैया, इस दुनिया में रहने के लिए तो भाभी, ये दुनिया अब मेरे किस काम? अब तो यहां रहने का दिल भी नहीं करता। बस अब Thank you.
ना जाने कहाँ चली गई। बैठिए बैठिए ना। हवेली में तो सब अच्छे हैं। हाँ। बहु राजी खुशी तो है। हाँ। ये? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं भी आने ही वाली थी ठकरानी साहब के पास। और रंजी के ब्याह की बात पक्की हो गई है ना आशा के साथ। अब तो भी उसी छोड़ने को कह रहा है। शादी हो जाए तो मैं तो उसे दुकान करा दूंगी। भगवान ने चाहा तो बड़ी सुखी रहेगी आशा। माँ, और चाचा ने कहा है चावल का इंतजाम हो जाएगा और पुरोहित जी ने ब्याह की 15 तारीख निकाली है। को ठंडा कौन करे कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। जब कश्ती साबितों सालों थी जब कश्ती साबितों सालों की साहिल की तमन्ना किसको थी। साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे कौन करे। साहिल की तमन्ना कौन करे कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। बहू जी, आज तो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ छोटे सरकार आशा के यहाँ बैठे थे। तुम सच कह रहे हो? हाँ बहू जी। अरे बाप रे, अब तो कुछ गड़बड़ जरूर होगी। बहू जी, मेरा नाम ना लेना।
क्या बात है मालिक? कुछ नहीं। मोरी में ही खुश रहते, शर्म नहीं आती। मेरा दरवाजा काटो, जाओ यहां से। क्यों जाऊं? एक कमीनी बदमाश औरत के लिए आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? तुम उसको नहीं जानते। क्यों ना कहूं? टाइम कहेगी। जीवन बर्बाद करके तू हाँ, इससे तो मेरे गोली ही मार दो, मारो, लो मारो। एक पागल औरत के खून से मैं अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। सिफा डाला मगर तुम इसे मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं तो पागल हूं और आप? तुमसे हजार बार कहा कि मैं मर चुका और तुम जान नहीं जा सकती। क्यों अपने आप जाया कर रही? अब मैं क्या करूं? मुझसे पूछती हो तो जो कुछ मिलता है उसे ना ठुकराओ। कौन जाने फिर मिले या ना मिले, तुम्हारे सामने दरवाजे खुले हैं। नहीं, नहीं, नहीं। क्या जीते जी इस लाश के साथ सती होना चाहती हो? ना। तो फिर भाग जाओ इस जहन्नम से, इस अंधे कुएं से निकल जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। नहीं, जानबूझकर जान देना पाप है। तो फिर? शांता, 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 शांता। बड़े ठाकुर, कुछ पता है आपको?
खानदान की इज्जत बढ़ गई, खानदान की इज्जत बढ़ गई। रानी साहब, रानी साहब, वो भाग गई, वो भाग गई। बड़े सरकार, बड़े सरकार, बड़े सरकार, वो भाग गई, वो भाग गई, भाभी वो भाग गई। क्या बक रहे हो पूरा? ये बक रहा हूँ कि बड़े घर की इज्जत में चार चांद लग गए। ऊंचे घराने की बेटी, ऊंचे घराने की बहू भाग गई, भाग गई। महेश, बहू, माता जी, मैं अभी उसे वापस लाता हूँ। बड़े सरकार, अब वो आपके हाथ में आएगी, वो बहुत दूर। बेशरम, तू खड़ा देखता रहा उसको, रोका तक नहीं। वाह, मैं क्या रोकता? आप इस घर के पहरेदार हैं, आप बैठ के चौकीदारी करते हो। तुझे खानदान की इज्जत की भी परवाह नहीं? खानदान की इज्जत, सब कुछ तो भेंट चढ़ा दिया, और क्या चाहते हैं? पूरन, पूरन कभी का मर चुका। तेरी बीवी भाग गई और तू? मेरी बीवी नहीं रही साहब, आपकी बहू भाग गई। इससे तो तुझे मौत ही आ जाती, निर्लज कहेगा। तो फिर आप भी अपने हाथों से मेरे गला घोंट डालिए, इस मुर्दों से बदतर जिंदगी से छुटकारा तो मिले, जिंदगी से छुटकारा तो मिले। ये तुझे क्या हो गया बेटा? नहीं नहीं, आप मेरी माँ नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। मैंने भगवान के सामने उसे वचन दिया था, आपने उसे छुटका दिया पूरन, और आपने आपने खानदान की इज्जत की आग लेकर मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे व्यक्ति का घिनौना समझकर पैरों से बोतल डाला। और अब क्या चाहती? तो झूठे नाम के लिए जिंदगी का खून करने वालों की यही सजा है। चाचा, आप इसे और तबाह कर रहे हैं। तुम चुप रहो, गाय बैल की तरह तुम्हारी शादी कर दी गई। मैं? तुम कुछ नहीं, तुम समाज के टट्टू। मनो घास ला दी जाए फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे सीने में दिल और न दिल में कभी तीस उठी। तुम क्या जानो दूसरे के दर्द को? लेकिन जिद की भी कोई हद होती है। जिद, जिद्दी हो तुम जो छोटे भाई का खून चूस कर तने खड़े हो। बेटा, दुनिया से जंग करने वालों का यही हाल होता है, पर आज ये सब हार गए और तुम जीत गए। तुमने मेरे दुखों का भी खूब बदला ले लिया, पर बेटा बड़े महंगे दामों। पूरन, पूरन। बेटा, भैया, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। हाँ, मैं घर वापस जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। छोड़ो शांता। नहीं छोड़ो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं छोड़ो शांता। नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अब नहीं आऊंगा, आप किसी और डॉक्टर को बुलाइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। ऐसे जिद्दी मरीज का कोई इलाज नहीं कर सकता। जो जिंदा ना रहना चाहता हो उसे क्या कोई जबरदस्ती जिला सकता है? माता जी, अब रोने से क्या फायदा? कलेजे में आग लग रही है बेटा, क्या करूं? क्या करूं, जश्न मनाओ चाचा। हाँ हाँ बड़े सरकार, जश्न मनाइए, जायदाद का हिस्सेदार कम हुआ। चाचा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं वही कह रहा हूँ जो ये आंखें देखती। नहीं नहीं, मैं ऐसा कमीना नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया यही समझ के किया कि वो छोटा है, नादान है। माता जी, मैं उसको जाके ले आऊँ। पर बेटा, अब वो काहे को आने लगी? चाचा, आप उसको ला सकते हैं। मैं क्यों लाऊं? चाचा, अब तो बहुत सजा मिल चुकी। भगवान के लिए चले जाओ, मेरा बच्चा। मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। छोटे ठाकुर, जो कुछ करना हो जल्दी कीजिए, आज ही उसकी शादी हो रही है रंजी के साथ। Thank you.
गुरुदेव, मैं जाता हूं, जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर तुम कि तुम अपने आंखों से बैठे देखा किए और तुम्हारा दास भैया। नहीं आए